मेरे सामने नजर बेशर के एक मध्य से सवाल किया, बोला अगर सिसाली से मैं तर्जुमा कर रहा था, क्या ऐसा क्या है बारहवें इमाम में कि जो ना रसूल खुदा में था ना अली मुर्तदा में ना इमाम हसन ना इमाम हुसैन में, कि वो दुनिया में अदल इंसाफ कायम कर लेंगे लेकिन ना रसूल खुदा पूरी दुनिया पे अदल इंसाफ कायम कर सके, माज़ अल्लाह ना अली मुर्तदा ना इमाम हसन मुश्तबा ना इमाम हुसैन। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि कोई ऐसी चीज बारहवें इमाम में नहीं है जो रसूल खुदा में ना हो या अली मुर्तदा में ना हो या इमाम हसन में ना हो या इमाम हुसैन में ना हो। का इन सब में वो तमाम कमालात थे जो बारहवें इमाम में है। का फिर क्या कैसे मौला इंसाफ काम करेंगे? का कमी इमाम जमाना में नहीं थी, ना कमी रसूल खुदा में, ना कमी अली मुर्तदा में, कमी मुआशरे में थी। रसूल खुदा के जो अतराफ में लोग थे कमी उनमें थी, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, कमी उन लोगों में थी जो अमीरुल मोमिनीन के अतराफ में थे, आइम्मा के जो पास लोग थे उनमें कमी थी, जो बारहवें इमाम के पास लोग होंगे उनमें कमी नहीं होगी। वो इतने जानिसार होंगे कि मौला के कहने पे सर देने पे तैयार होंगे। मिल के बाबा से बलंद सलवार पढ़ें।